है, एक आपको फॉर्म बनाना है और एक इंसर्ट कराना है, करेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्म बनाना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ फॉर्म बनाने पे ही होना चाहिए। फॉर्म स्टार्ट किया, करेक्ट। फॉर्म एचटीएमएल का स्टार्ट स्ट्रक्चर वो चलेगा, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर्म बनाने की, करेक्ट। फॉर्म बनाया मैंने, उसका टेबल लिखा, हाँ तो एचटीएमएल तो भी चल जाएगा। भी चलेगा, टेबल लिखा, करेक्ट। टेबल, टेबल के अंदर क्या आएगा, टीआर टी आर, करेक्ट। और उसके अंदर क्या आएगा, टी डी आएगा, करेक्ट। सेव किया मैंने, फर्स्ट में नेम लिख दिया, स्पीड रखना है आपको। स्लैश टेस्ट स्लैश फॉर्म डॉट पी एच पी, सबसे पहले मुझे देख लेना आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस करने से स्क्रीन बड़ी हो जाती है। सेकंड क्या है, टी डी अगेन, यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट, इनपुट आई एन पी यू टी, करेक्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, सेव करूँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, इतना हो गया मेरा, करेक्ट। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल वी, यहाँ पे दे दिया मैंने ईमेल, करेक्ट। ये हो गया नेम एंड ईमेल, और लास्ट में वापस एक और कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, नहीं ज़्यादा नहीं, अभी हमारी प्रैक्टिस के, हमको प्रैक्टिस करनी, सीखना है, तो जितने कम से कम वेरिएबल्स हों उतने में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ दो वेरिएबल्स लेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, करेक्ट, हो गया। ये फॉर्म आ गया समझ में, इतना ही आपको बनाना है, करेक्ट। अब सेकंड नेम लिखना है हमको, नेम, नेम इक्वल्स नेम, इससे क्या होगा, नेम आ जाएगा, नेम क्या की वैल्यू, जब भी हम लोग पोस्ट करेंगे पीएचपी में, तो जब सेकंड पेज में डेटा लेके जाएंगे तो नेम जो जो भी वैल्यू नेम में देंगे वो की की के तरीके से जाएगा, करेक्ट। नेम सेकंड वापस नेम लिखेंगे, ईमेल, करेक्ट। ये दो ही चीज़ लेके जानी हमको, सिंपल। फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, कितनी देर लगी मुझे, बहुत कम टाइम लगा। सेकंड मुझे ये कंप्लीट करना है कि प्रॉपर जब मैं सबमिट कर रहा हूँ उस टाइम प्रॉपर फाइल में जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेकंड फाइल कौन सी है, इंसर्ट फॉर्म डॉट पी एच पी, करेक्ट। अब मैं सबमिट कर, ये रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं खाली सबमिट करके चेक करूँगा, कुछ टाइप नहीं करूँगा, कुछ नहीं लिखना मुझे। कहाँ पे जा रहा है, इंसर्ट फॉर्म डॉट पी एच पी, बराबर, एकदम परफेक्ट जा रहा है। ऊपर वेरिएबल्स दिख रहे हैं, नेम इक्वल टू ब्लैंक और ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट, नहीं बाय डिफॉल्ट ये मेथड कौन सी यूज़ करता है, गेट। अगर मैं पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा, मेथड पोस्ट, बराबर है। अब देखते हैं लोग क्या होता है, सबमिट किया, कुछ दिखाया नहीं दिखाया, इस बार नहीं आया, हाँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं गेट मेथड करूँगा, ये पीएचपी की ग्लोबल मेथड्स है। रिफ्रेश किया, सबमिट किया, ऊपर आ रहा है, की वैल्यू पेयर्स बता रहा है, करेक्ट। पोस्ट और गेट मेथड में डिफरेंस पता चल गया, पोस्ट से ऊपर दिखाता नहीं है, नहीं दिखाता नहीं, करेक्ट। हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, करेक्ट। फॉर्म कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट अब हमको पीएचपी करना है। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करूँगा, मैं इंसर्ट फॉर्म में जाऊँगा, बराबर। और यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करूँ मैं, गेट, बराबर। अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट से क्या होता है, दिखता नहीं है, फॉर द टाइमिंग दोनों काम वही करेंगे। सबमिट करूँगा, इंसर्ट गया पर कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड यूज़ किया, करेक्ट। यहाँ पे जाएंगे, पीएचपी स्टार्ट करेंगे, सॉरी, अब फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, फॉर्म बनाया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है मुझे, मतलब अब मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, मुझे इंसर्ट करवाना है। क्या चीज़ें इंसर्ट करवाना है, नेम एंड ईमेल, करेक्ट। अब जब भी मुझे इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि यहाँ तक मेरे डेटा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, क्योंकि यही फाइल से इंसर्ट कराऊँगा, करेक्ट। तो चेक कैसे करेंगे, डॉलर पोस्ट से, डॉलर पोस्ट में क्या है, एरे, एरे, करेक्ट।
इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट आर, प्रिंट आर करेक्ट, और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करेक्ट। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, सबमिट आ रहा है करेक्ट। नेम में ये वैल्यू आ रही है और ईमेल में ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब आपको जैसे बताया था, जो वैल्यू है एरे की वैल्यू है वो हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, डॉलर नेम, डॉलर नेम इक्वल्स डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्या यहाँ पे आएगा, नेम। याद हमने किया था एरे में, एरे कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल्स को, डॉलर ईमेल इक्वल्स डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ब्रैकेट ईमेल, अरे अरे ईमेल अरे एंड। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा। अब दोबारा एक बार चेक कर लूँगा मेरी वैल्यूज आ रही है कि नहीं। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर, इको करेक्ट, क्योंकि वेरिएबल्स चेक करने के लिए हमको इको लिखना पड़ता है। नेम वापस जाएंगे हम लोग बैक, फॉर्म भरा, नेम इज ब्रिजेश, पहले चेक कर लेंगे, सबमिट करेंगे, आ रहा है ब्रिजेश, आ रहा है इको रहा है करेक्ट। सेकेंड तरीके से मैं दूसरी वैल्यू भी मेरी चेक कर लूँगा, ईमेल, ईमेल यहाँ पे ईमेल टाइप किया @gmail.com, सबमिट किया, ये आ गया करेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को कॉपी कर लूँगा। मतलब अगर मैं इको कर रहा हूँ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या समझ में आया बताओ। स्टार्टिंग में से फॉर्म पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट जो भी सबमिट वैल्यू होती है वो पोस्ट मेथड में से हमको सेकंड पेज में मिलती है। पोस्ट मेथड है आपका, पोस्ट मेथड आपका एरे है। एरे को सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल में स्टोर कर दिया, डॉलर नेम को नेम कर दिया और ईमेल को ईमेल में स्टोर कर दिया, दो वेरिएबल कर दिए करेक्ट। यहाँ तक हमारा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इसका मतलब क्या, जब भी कोई फॉर्म पोस्ट करेगा तो डॉलर नेम में जो भी वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे वो मुझे मिल जाएगी करेक्ट, क्योंकि हमने इको करा के टेस्ट कर लिया करेक्ट। अब हमको सेकंड ऑप्शन, सेकंड टाइम क्या करना है, सेकंड पेस्ट कर देना है इसको और यहाँ पे कमेंट कर देना है, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग बता दो, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट करवाना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेक करना नहीं है, क्योंकि फॉर्म में से जो डेटा आ रहा है वो तो हमको मिल गया, हमको पता चल गया डॉलर नेम में अगर वेरिएबल में होगा तो हमको डेटा मिलने ही मिलने वाला है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसर्ट करना है करेक्ट। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा विंध्या, विंध्या करेक्ट, और यहाँ पे लिख दूँगा ईमेल @gmail.com करेक्ट। यहाँ पे इको करूँगा तो क्या है, अब यहाँ अब मुझे फॉर्म वाले पेज पे नहीं आना, अब सीधा यहीं पे मैं चेक कर सकता हूँ करेक्ट। हमने सिंपल सा एक किया, अब क्या, अब फॉर्म को आप भूल जाओ एक टाइम, अब आपको फोकस करना है सिर्फ इंसर्ट पे। बाबा इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ ये, पर अभी डिलीट नहीं करा मैं, मेरे रेफरेंस के लिए बाद में रखूँगा करेक्ट। या तो डिलीट करना है तो डिलीट कर दूँ या नहीं करूँगा बताओ, रहने देते ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो नेम और ईमेल है वो मुझे क्या करना है, डेटा में इंसर्ट करवाना है। इसको बोलते हैं, ये मैंने स्टैटिक डेटा लिया हुआ है, वो जो डेटा है मेरा जो पोस्ट से आ रहा है वो डायनामिक डेटा है मेरा करेक्ट। क्योंकि बिहेवियर लास्ट में सेम, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि इंसर्ट होना चाहिए करेक्ट। अब मैं PHP में जाऊँगा, लोकल होस्ट /PHP myadmin %100% कर देते हैं, आपको समझाने के लिए बड़ा कर दिया था। अब सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, डेटाबेस क्रिएट करूँगा करेक्ट। डेटाबेस का नाम क्या रखें हम लोग, फॉर्म टेस्ट, FORM फॉर्म टेस्ट नाम का डेटाबेस बन गया करेक्ट। उसके अंदर टेबल बनाएंगे हम लोग, टेबल के आने में
टेबल नेम, टेबल नेम किसी आदमी का या कुछ ऑब्जेक्ट का नाम होता है, नाउन में होता है हमेशा टेबल। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यूजर्स लिख सकते हैं, यूजर्स बहुत सारे लोग होंगे, इसके लिए हम लोग इसका नाम यूजर्स दे देंगे क्योंकि इस टेबल के अंदर बहुत सारे यूजर्स आएंगे। चार फील्ड की हमको जरूरत नहीं है, दो आई डी, एक्चुअल में हमको यहाँ पर दो ही फील्ड लेना था, ठीक है, फिर चलेगा। आई डी बराबर इंटीजर होगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटल होगा, जिसकी लेंथ हम लोग 11 दे देंगे, ऑटो इंक्रीमेंटल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑटो इंक्रीमेंटल चेक कर देंगे। ये प्राइमरी की बोलेगा, प्राइमरी हो जाएगा, अपने आप प्राइमरी होगा, बिल्कुल सही, बराबर है। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, नेम हमेशा इसमें हो जाएगा, वेयर केयर, वेयर केयर का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, 255, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 256, ठीक है। और लास्ट क्या है, ईमेल एड्रेस, बराबर है, ईमेल एड्रेस भी क्या आएगा, वेयर केयर आएगा, 255 हो गया, सेव कर दिया हमने, करेक्ट, ब्राउज किया हमने, अभी कुछ भी डेटा नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आप जाओगे तो बोलेगा एक टेबल है हमारे पास, करेक्ट, इतना समझ में आ गया, करेक्ट, वेरी गुड। अब सेकंड हमको क्या करना है, पीएचपी MySQL, ये जो है हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, MySQL और इंसर्ट क्वेरी बोलते हैं इसको, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे दो तीन लिंक्स ओपन कर दें, कंट्रोल क्लिक करना है तो दो तीन लिंक हो, जहाँ से समझ में हमको वही यूज़ करना है, करेक्ट। अब ये हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, करेक्ट। अब इसने क्या बोला है, आप ये कमांड कॉपी पेस्ट पूरा कर सकते हो, कंट्रोल सी, करेक्ट, ये तो आता है। हाँ, अब हम लोग इसको ही कमेंट कर देते हैं, करेक्ट। यहाँ पर हमने कोड पूरा पेस्ट कर दिया, ये सर्वर नेम हमारा कमेंट हो गया, इसको अनकमेंट कर दो। सर्वर नेम क्या है हमारा, लोकल होस्ट, यूजर नेम है रूट, पासवर्ड क्या है, रूट, और डेटाबेस कौन सा है, टेस्ट फॉर्म, अगर नहीं पता है, फॉर्म टेस्ट, करेक्ट, फॉर्म टेस्ट, करेक्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये इंसर्ट इनटू ये क्वेरी है, करेक्ट, बराबर है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डेटा में जाएंगे, ठीक है, इधर आओ, हाँ दरवाजा बंद करो, सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस में गए हम लोग, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, करेक्ट, इंसर्ट हम लोग करेंगे, नेम में क्या लिखा, ब्रिजेश, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, BRI ब्रिजेश @gmail.com, करेक्ट। जब हम यहाँ पे करेंगे गो, कर दिया। अब ये मेरे को क्वेरी दे रहा है, एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, बिल्कुल सही, इसको कॉपी कर लेंगे, ये मेरी क्वेरी है, ये क्वेरी जाए कहाँ पर जाएगी, ये इंसर्ट की क्वेरी है, करेक्ट, पेस्ट कर देंगे, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, यूजर्स में एक रिकॉर्ड है, अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएटेड, दो रिकॉर्ड होने चाहिए, इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रिजेश है, बराबर है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम उसको डायनामिक करेंगे, यहाँ पे हमने डॉलर नेम और ईमेल डिफाइन किया, अब इसको अनकमेंट कर देंगे, करेक्ट। और ये जो वैल्यू है ब्रिजेश, ये स्ट्रिंग है, इसके लिए इसने क्या किया, कोटेशन रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इधर डॉलर नेम, करेक्ट, हाँ तो वो आ जाएगा, और यहाँ पे डॉलर ईमेल, डॉलर ईमेल आ जाएगा, करेक्ट, ये दोनों आ जाएगा। हाँ, अब रन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रन करेंगे वापस, कंटिन्यू, एरर क्या बता रहा है, एरर को ध्यान से आपको पढ़ना है, यू हैव सिंटेक्स एरर करस्पॉन्डिंग माई स्कूल एट लाइन वन, बराबर, लाइन वन यहाँ पे एरर बता रहा है, नेम एंड ईमेल, यहाँ पे क्या एरर है, ये शायद हो सकता है एरर, नहीं
इंसर्ट ये क्वेरी बन रही है, करेक्ट, ये क्वेरी हो रही है, करेक्ट। अब अगर ऐसी कुछ एरर आए तो हमको क्या करना है, ये क्वेरी, ये इंसर्ट इनटू ये क्वेरी है हमारी, बराबर। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, पूरी क्वेरी कॉपी कर लिया हमने, हाँ, और यहाँ पर हम क्वेरी रन करें, इसको एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं, करेक्ट। इसको हम लोग क्वेरी रन करते हैं, तो बता देगा एरर, एट द रेट, देखो एट द रेट में अलग आ रहा है, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको कोटेशन दे सकते हैं, करेक्ट। अब देखते हैं एक बार टेस्ट करके, अननोन कॉलम विन दिया, बराबर, विन दिया अलग है, कॉलम बन रहा है एक्चुअली। दोबारा टेस्ट करेंगे यहाँ पे, अब हमको डीबग करना है, ठीक है। डीबग कैसे करते हैं, सिंगल कोड टेस्ट, सिंगल कोड टेस्ट मेल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो जाना चाहिए। अरे इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग अगर मैं स्टैटिक रख रहा हूँ डेटा तो जा रहा है, पर अगर मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो नहीं जा रहा है, करेक्ट, क्यों नहीं जा रहा, हाँ वो चेक करना है। तो सबसे पहले आप सिंगल सिंगल करेंगे, करेक्ट, कॉपी किया डॉलर नेम, अब देखेंगे पहले नेम इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, इसको डीबगिंग बोलते हैं। रिफ्रेश करेंगे, अगर एरर नहीं आई, एरर इसमें ही आ रही है, मतलब यहाँ पे ही कहीं पे एरर है, क्या एरर है, नल में हो सकती, नल, ये एक्चुअली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे वैल्यूज जा रही है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट देके देखें, क्योंकि एरर कहाँ है, एरर यहीं कहीं है, नहीं हो रहा, ये वैल्यू बता रहा है, अननोन कॉलम फॉर विंध्या इन फील्ड लिस्ट, अननोन कॉलम फॉर विंध्या, ये आईडी हटा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दो ही वैल्यू पास करते हैं, नेम एंड ईमेल, दो वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं, अब अननोन कॉलम विंध्या, इसको कॉपी करते हैं, अब देखते हैं एरर क्वेरी कहाँ पे, देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है। अब मैं इसको, ये क्वेरी मेरी रन हो रही है, एरर बताया इसलिए एरर है, अब इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे एसक्यूएल में रन करके देखूँगा, ठीक है। एसक्यूएल में गए, गो, क्या बता रहा है, अननोन कॉलम मिल गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो स्ट्रिंग नहीं है, अगर मैं क्लिक ऐसे करूँगा और ऐसे करूँगा तो हो जाएगा, करेक्ट, हो गया, वही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जब मैं डायनामिक पास कर रहा हूँ तो उस टाइम क्या हो रहा है, ये कोट्स नहीं ले रहा है, इसको कोट्स ये बोल रहा है, कोट्स कंपलसरी है, ठीक है। तो हमको कॉन्कनेटर ऑपरेटर आना आता है, कॉन्कनेट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर यहाँ पे इसको बंद करेंगे और डॉट कर देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे, समझ गए। अब यहाँ पे या तो कैसे करें, सेकंड ऑप्शन क्या है, तो काम करते हैं, ऐसे डाल दो ना, डाल के देखते हैं, डबल डालना है, आ गया, करेक्ट। इसका मतलब क्या, ये नेम डायनामिक हो गया, करेक्ट। अब हमको ईमेल भी करना है, तो सेम तरीके से ईमेल भी कर सकते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डीबगिंग करना आ गया, अब आपको इस तरह डीबे एक 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 स्टेप करना है हमको, परफेक्ट। अब एक बार चेक कर लो, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, जो फॉर्म है उसको इसके साथ में कनेक्ट करना है, ऑलरेडी हमने जो पोस्ट में वैल्यू मिल रही है उसको यहाँ पे कमेंट करके ही रखा है, करेक्ट। सेव किया हमने, इसको कमेंट कर दिया,
अब हम लोग जाएंगे फॉर्म पे, यहाँ पे dummy@dummy.com सबमिट किया हमने, परफेक्ट, यहाँ पे चेक किया, हो गया। अब ये चीज़ आपको करके सर को दिखा देना है, सर देखो इंसर्ट हमने कर दिया, समझ में आ गया। अब स्टार्टिंग से बताओ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया, करेक्ट, कंप्लीट हो गया फॉर्म। सेकंड हमने सेकंड पेज बनाया इंसर्ट फॉर्म डॉट php, इंसर्ट कर लेते हैं। हाँ, पोस्ट मेथड क्या करेगा, ये जो भी वेरिएबल्स है इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो दिखाएगा नहीं, पर ध्यान से सुनो, सबमिट जब करेंगे तो ये जो भी वैल्यूज है हमको सेकंड पेज में भेजना है। वो पेज का नाम क्या है, इंसर्ट फॉर्म डॉट php, ठीक है। उसका सबसे पहले हमने फर्स्ट क्या किया, प्रिंट आर करके पोस्ट में चेक कर लिया हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, करेक्ट, वो फर्स्ट स्टेप किया। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, ये वैल्यूज चेक करी, इको करके वेरिएबल में स्टोर किया और फिर चेक किया कि जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं या नहीं हो रही, करेक्ट। उसके बाद हमने इसको कमेंट कर दिया, हमको पता चल गया कि यहाँ तक तो हमारी वैल्यूज आ जा रही है php में, मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर पास हो रहा है। सेकेंड हमने क्या फोकस किया कि सिर्फ हमको इंसर्ट कराना है डेटा, करेक्ट, तो हमने इंसर्ट करा के चेक किया और उस चीज़ को हमने डायनामिक कर दिया, करेक्ट।